Namaste dear parents, today I'm going to talk about a very important topic, that is admission kahan pe le. When the admission season starts, almost every single day I have 4, 5, 6 parents, you know, calling me, texting me or meeting at the gate and asking me, ma'am, kaun si school. So what I have done is I have narrowed down a few points ki jinse aapko madad mil sakegi ki kaun si school kaise aur kyun. तो इन भावनगर वी हैव ऑल द 3 ऑप्शंस अवेलेबल, स्टेट बोर्ड जो कि गुजरात बोर्ड है, CBSE बोर्ड जो कि सेंट्रल दिल्ली बोर्ड है और ICSE बोर्ड जो कि इंटरनेशनल बोर्ड है. तो ICSE का तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो अमरज्योति है. बाकी CBSE में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं भावनगर में और गुजरात बोर्ड के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास. अब बोर्ड की जब बात आती है सिलेक्शन करने की, तो उसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये है कि बोर्ड जो है वो नर्सरी सेक्शन पे लागू नहीं होता है. नर्सरी सेक्शन सबका मोर और लेस सिमिलर ही होता है, सिर्फ बुक्स अलग होती है, पैटर्न थोड़ी सी अलग होती है. उसके अलावा बोर्ड का कोई मेजर रोल नर्सरी जूनियर सीनियर केजी में नहीं होता है, इवन इन फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में नहीं होता है. बट आके जाके अगर वो बोर्ड में बच्चे आ जाते हैं तो उनका बेस जो है वो डिवेलप होता है. तो ये आइडिया होता है अगर हम कोई बोर्ड सिलेक्ट करना चाहें. अब मैं तीनों बोर्ड का थोड़ा सा ब्रीफ में ही आपको बता दूंगी कि जैसे ICSE बोर्ड है वो एक बहुत ही वैरीड और बहुत ही इलेबरेटेड बोर्ड है जिसमें लैंग्वेज स्किल्स पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है. तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे बच्चों को यू नो इंटरनेशनली फ्यूचर में पढ़ाना है और वो सब अगर आपका क्राइटेरिया है, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर एन ICSE बोर्ड, बिकॉज वो फाउंडेशन वहीं से ले होता है और उनकी बेसिकली जो एजुकेशन पैटर्न है, जो उनका सिलेबस और करिकुलम डिज़ाइन है, वो उस हिसाब से होता है कि बच्चे अगर फ्यूचर में फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाएंगे तो वो इजीली उनमें सिंक हो जाएगा. दिल्ली बोर्ड जो CBSE बोर्ड है वो बहुत ही प्रचलित और फेमस और बहुत ही इजी बोर्ड है, इजीली अवेलेबल. जिनका ट्रांसफरेबल जॉब्स है तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि अगर एक सिटी में से दूसरी सिटी में आप जाते हो तो आप अच्छे से स्विच कर सकते हो. मतलब मोर और लेस बुक्स वगैरह, उनका पैटर्न, एग्जामिनेशन, उनका सब कुछ बहुत सिमिलर होता है. और भावनगर में भी अभी काफ़ी ऑप्शंस हैं CBSE बोर्ड के. स्टेट बोर्ड ऑफ कोर्स अभी थोड़ा सा उसका इम्पोर्टेंस मैं बोलूँगी कि थोड़ा पीछे हो गया है, बिकॉज नाउ एवरीबडी प्रिफर्स कि CBSE बोर्ड में या ICSE बोर्ड में ही बच्चा बढ़े. बट स्टेट बोर्ड का कोई लेस कॉम्पिटिशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इट्स लेस कम्पिटिटिव. तो स्टेट बोर्ड में ज़्यादा क्या है कि फैसिलिटी ईज़िली आपको ट्यूटर्स मिल जाते हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत पॉकेट फ्रेंडली होती है और बहुत ही, मतलब अगर 10th 12th में अगर आप रिजल्ट्स भी देखोगे तो इट इज़ ऑलवेज सीन दैट स्टेट बोर्ड के रिजल्ट्स ज़्यादा ईजी और ज़्यादा अच्छे आते हैं. तो ये बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नर्सरी की. मुझे ये पेरिफेरी थोड़ी सी बांधनी पड़ी ताकि आपको पता चले कि बोर्ड हम क्यों सिलेक्ट करते हैं. सो नाउ कमिंग अप टू द स्कूल, जब आप नर्सरी में अपने बच्चों को एडमिट करने जा रहे हैं स्कूल्स में, बड़ी स्कूल्स में, इफ़ यू आर प्लानिंग टू यू नो टेक इन अ किंडरगार्टन, जैसे कि कोई प्ले हाउस में अटैच नर्सरी हो तो देर इज़ नो क्वेश्चन, यू नो, तो वो एक स्टैंडर्ड में से दूसरे स्टैंडर्ड में ईजिली ट्रांसिट हो जाता है. बट इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ स्कूल, तो सबसे पहले ये देखिए कि उनका करिकुलम कितना बर्डनड है. आई एम वेरी माइंडफुली यूजिंग दिस वर्ड बर्डन, बिकॉज काफ़ी सारी स्कूल्स के नर्सरी के बुक सेटअप अगर आप देखोगे तो बहुत ही उनमें अकेडमिक प्रेशर होता है, जो मुझे लगता है. बिकॉज फॉर मी अगर आप पूछोगे तो मैं हमेशा एक फाइन बैलेंस पसंद करती हूँ कि जिसमें एक्टिविटीज़ भी हों, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कम्प्लीट डेवलपमेंट भी हो, तो मैं हमेशा ऐसा ही चूज़ करना पसंद करती हूँ. मुझे ज़्यादा अकेडमिक्स रिलेटेड कम पसंद आता है, आई नीड अ फाइन बैलेंस. तो वो आप देखिए, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टडी ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं तो वो वैसी स्कूल्स को सिलेक्ट करें जहाँ पर पढ़ाई ज़्यादा होती है. काफ़ी स्कूल्स हैं जो एक बैलेंस्ड अप्रोच भी अपनाती है. तो जब आप बुक सेट देखें तो बुक सेट को देखिए, अपने बच्चे की एज को देखिए, एंड देन यू नो अपने माइंड में सोचिए कि ये जो बुक सेट है, ये जो मेरा बच्चा है, इनका मैच कहाँ तक होगा. सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ पेरेंट टू अंडरस्टैंड.
because every child has a different caliber, every child has a different capacity. सो एक हर्ड मेंटालिटी, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स के सारे बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं तो आई विल टेक एडमिशन ओवर देयर. आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी एज एजुकेटेड पेरेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड फॉर माय चाइल्ड. बिकॉज अगर हमने मैं जानती हूँ पेरेंट्स को ऐसा होता है कि मैम क्राउड अच्छा है तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ. आई कंप्लीटली अग्री, मैं ना ही नहीं बोलती हूँ, बिकॉज ये भी एक फैक्टर होना चाहिए बट ये ही अकेला एक फैक्टर नहीं होना चाहिए. सो मीट द प्रिंसिपल, मीट द टीचर्स ऑफ द स्कूल, विजिट द स्कूल, टेक द वाइब्स ऑफ द स्कूल, टेक योर चाइल्ड अलॉन्ग विथ यू टू द स्कूल. यू नो, देखो बच्चे को क्या वाइब्स आते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल द चाइल्ड हैज़ टू बी इन दैट एटमोसफियर फॉर लॉन्ग. सो आई वुड रिक्वेस्ट, नंबर वन, टू नैरो डाउन, लुक एट द बुक सेट. बुक सेट को वे कीजिए कि बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं है मेरा बच्चा, उसकी कैपेसिटी, उसकी एज. और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे की एज एक महीना भी कम है जो स्कूल ने डिसाइड किया है उससे, प्लीज़ डू नॉट एनरोल दैट चाइल्ड. बिकॉज एक क्लास में जब 30-32 बच्चे होते हैं तो उनमें एज वेरिएशन 11 से 12 महीने का होता है. उसमें 3.5 साल का भी एक बच्चा होता है, 3.25 साल का भी एक बच्चा होता है, 4.25 साल का भी एक बच्चा होता है. तो फिर वो जो कंपटीशन है वो हमेशा सेम नहीं रहेगा. सो डिज़ाइन जो करिकुलम का या पोर्शन का होता है वो जेनेरिक होता है, वो कस्टमाइज्ड नहीं होता है. सो इफ़ आई एम पुटिंग अ चाइल्ड अर्ली तो उसके लिए कोप अप करना मुश्किल हो जाएगा. और जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में हम जाएंगे तो हमें उसका जो परफॉर्मेंस है वो दिखाया जाएगा, और हम दूसरे बच्चे का परफॉर्मेंस देख के ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कर नहीं पाता. लेकिन अगर हम एज कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि मेरा बच्चा तो इससे 4-5-6 महीना छोटा है. तो ये पेरेंट्स हमेशा भूल जाते हैं. जब पेरेंट्स बहुत जल्दी करते हैं बच्चों को स्कूल में, नर्सरी में एडमिट करने के लिए, तो एज मैं हमेशा ये सजेशन दूंगी, मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस, 27 years ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन्ड इन एजुकेशन फ्रेटर्निटी, आई वुड से कि बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो क्लास में इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल. तो ये बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि वो इसका एक साल बिगड़ जाएगा. आई वुड ऑलवेज टेल यू ऑल टू थिंक यू आर इन्वेस्टिंग इन वन ईयर, बिकॉज नाउअडेज द काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज हैपनिंग इन द करिकुलम. स्कूल इतना सब कुछ डाल रही है एक साथ में, तो मुझे लगता है कि बच्चा अगर थोड़ा सा मेच्योर्ड हो क्लास में तो नथिंग लाइक इट. बिकॉज अल्टीमेटली रिजल्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट बच्चे की जो सीखने की क्षमता है उसमें फ़र्क पड़ जाता है. तो मेरा चाइल्ड अगर A+ लाता है और मेरा दूसरा चाइल्ड है जो B लाता है, वो B ही लाएगा, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. वो B लाने के लिए जो उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसमें फ़र्क पड़ जाएगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द बर्डन दैट द चाइल्ड इज़ टेकिंग, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत शांति से, इत्मीनान से ये डिसीजन लीजिए कि बच्चे को कौन सी स्कूल. स्कूल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी गाइडेंस दे दिया है. आई वोंट बी एबल टू नेम वन स्कूल बिकॉज ऑल द स्कूल्स हैव देयर प्लसेस एंड माइनसेस, ऑल द स्कूल्स हैव देयर एडवांटेजेस, ऑल द स्कूल्स हैव देयर डिफरेंशिएटर्स कि ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट नहीं अच्छा है. तो वो आपको ही सेंस करना पड़ेगा जब आप स्कूल में जाएंगे. बट फाइंड फॉर अ स्कूल विच इज़ पेरेंट फ्रेंडली. मैं इसलिए ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ पेरेंट फ्रेंडली, बिकॉज पेरेंट और स्कूल का जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आफ्टर ऑल पेरेंट्स आर पार्टनर्स फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन जर्नी. तो वो एक चीज़ थोड़ा सा देखिए, रिमूव दैट हर्ड मेंटालिटी. बिकॉज एवरीबडी इज़ टेकिंग एडमिशन, आई विल क्लोज माई आईज एंड आई विल टेक एडमिशन. आफ्टर 2-3 years देन यू रिपेंट कि यार ये तो बहुत हो गया यार, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा था, मैंने सोचा ही नहीं. एंड देन अगेन यू नो, बच्चों का फ्रेंड सर्कल बन गया है, 3-4 साल बच्चे ने पढ़ाई के, अगेन टू स्विच. बिकॉज मैनी पेरेंट्स यू नो कीप स्विचिंग द स्कूल्स एवरी 2-3 years. ट्रांसफरेबल जॉब के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. बट इन अ सिटी वेर यू आर लिविंग फॉर लॉन्ग और आप घड़ी घड़ी स्कूल चेंज करोगे तो यू नो इट अफेक्ट्स द चाइल्ड्स मेंटालिटी. तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए. मीट द टीचर्स, लुक एट द करिकुलम, द बुक सेट, एंड लुक एट योर चाइल्ड्स कैपेबिलिटीज, योर चाइल्ड्स कैपेसिटी.
दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ और उस पर एम्फसाइज भी करती हूँ कि बच्चे जितना लिखते हैं या पढ़ते हैं वही उनका डेस्टिनी नहीं डिसाइड करता, वही उनका करियर नहीं डिसाइड करता. सो लास्ट बेंचर्स भी मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है. सो डोंट फॉल इन दैट कैटेगरी ऑफ यू नो रनिंग बिहाइंड सिलेबस एंड गेटिंग दैट ए प्लस ऑल द टाइम. आई फील दैट अ बैलेंस्ड अप्रोच बाय अ पेरेंट गिविंग अ चाइल्ड अ होलिस्टिक एनवायरमेंट टू ग्रो आई थिंक विल रियली लीड टू ग्रेटर रिजल्ट्स इन फ्यूचर. बिकॉज बच्चे को 20 साल पढ़ना है तो प्यार पढ़ने से होना, प्यार उस जगह से होना बहुत ज़रूरी है रादर देन फोर्स. तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं वन टू वन पेरेंट्स को बोलने से अच्छा आई थॉट दैट आई विल यू नो रिकॉर्ड एन ऑडियो मैसेज. पर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ टेक माई अपॉइंटमेंट ऑन एनी ऑफ द सैटरडेज एंड आई वुड लाइक टू सी बोथ द पेरेंट्स. मैं अकेले मदर्स या अकेले फादर्स से बात करना पसंद नहीं करती व्हेन डिसीजंस ऑफ स्कूलिंग्स आर मेड यू नो, बिकॉज आई वांट इक्वली टू टॉक टू बोथ द पेरेंट्स इफ यू वांट एनी फर्दर काउंसलिंग और एनी फर्दर एडवाइस. सो लुक फॉरवर्ड टू यू नो नॉक माई डोर, डोंट वरी एट ऑल, टेक एन अपॉइंटमेंट एंड वी शैल लुक फॉरवर्ड. बट आई थिंक के जो मैंने बताया उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा. सो आई होप माई ऑडियो मैसेजेस आर हेल्पिंग.